जितने लोगों को मारा शरीर पर उतने ही टैटू गुदवा लिए। ये गैंग इतनी खतरनाक है कि इनको बाकी कैदियों के साथ एक जेल में नहीं रखा जाता, बल्कि इन गैंग के खूंखार अपराधियों के लिए एक अलग जेल बनाई गई है। यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनको दुनिया की सबसे खतरनाक गैंग करार दिया है। ये जिस देश में रहते हैं वहाँ हर मिनट एक मर्डर होता है। हम बात कर रहे हैं मारा सल्वा ट्रूचा और 18 स्ट्रीट गैंग की। इन दोनों गुटों का ठिकाना सेंट्रल अमेरिका में मौजूद एक अलग और छोटा सा देश एल साल्वाडोर है। दरअसल इनके मेंबर्स को पहचानना बेहद आसान है। इनके हर सदस्य के शरीर पर टैटू गुदे हुए मिलेंगे। जिस मेंबर ने जितने क्राइम किए होंगे उसका शरीर उतना ही ज्यादा टैटू से ढका हुआ मिलता है। ये इनका एक अलग तरीका है आम लोगों में खुद का दबदबा कायम करने के लिए। अगर मारा सल्वा ट्रूचा की बात करें तो इसे MS-13 के नाम से भी जाना जाता है। 1980 में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलस में इस गैंग की शुरुआत हुई और धीरे धीरे इसने जुर्म की दुनिया में अपना दबदबा कायम कर लिया। इसके गैंगस्टर्स ने रेप, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मर्डर, चोरी, मारपीट जैसे अपराध कर अपना खौफ फैलाना शुरू कर दिया। 50 सालों में ये गैंग पूरी दुनिया में फैल गई और अब दुनिया भर के अपराधी इसका हिस्सा हैं। ग्वाटेमाल, साल्वाडोर और मैक्सिको जैसी जगहों से भी काफ़ी अपराधी जुड़े हैं। विल्मर सेगोविया इस गिरोह का एक ऐसा अपराधी है जिसे उसके अपराधों के लिए 1310 साल की सजा मिली है, जिसने 33 हत्याएं, 9 हत्या की साजिश और कई और संगीन गुनाहों को अंजाम दिया है। MS-13 के अलावा 18 स्ट्रीट गैंग भी खौफनाक अपराध करने में पीछे नहीं है। इसे BRO गैंग के नाम से भी जाना जाता है। इस गिरोह में कुल 20,000 अपराधी जुड़े हुए हैं। साल 1960 में इसकी शुरुआत हुई। मैक्सिको माफिया और 18 स्ट्रीट का आपस में गहरा वास्ता है। 18 स्ट्रीट कोकेन और मैरिजुआना का धंधा करती है, जिसमें मैक्सिको के ड्रग माफिया भी उनकी मदद करते हैं। पेनल दी सुदाद बरियोस, ये वो जेल है जहां सिर्फ इन दोनों खतरनाक गैंग के 2600 क्रिमिनल्स बंद हैं, जबकि जेल में 800 कैदियों के ही रहने की जगह है। पुलिस वाले भी इस जेल में अंदर कदम रखने से घबराते हैं और आर्मी हमेशा यहां पहरा देती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।